मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 7 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6वां बाब और 9वीं आयत में यूँ लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। कल हमने इस बात को सीखा कि हमारा बाप जो आसमान पर है वो हमारी तमाम ज़रूरियात से वाकिफ और हमारी कमज़ोरियों से भी आगाह है। इसके बाद दुआए रुबानी में 6 दरख्वास्तें हैं। पहली 3 दरख्वास्तें यानी तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, ये 3 दरख्वास्तें खुदा से और उसकी ताजीम से गहरे तौर पर ताल्लुक रखती हैं। और उसके बाद की जो 3 दरख्वास्तें हैं, जैसे कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, ये 3 दरख्वास्तें हमारी अपनी जात से ताल्लुक रखती हैं। ये हमारे अपने मुतालिक हैं। इस दुआ का अंदाज हमें ये सिखाता है कि पहले हमें खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है, जैसे पहले 3 दरख्वास्तों में है, और फिर उम्मीद रखें कि बाकी सब चीजें भी हमें मिल जाएंगी। तेरा नाम पाक माना जाए। जरूर है कि हम खुदा की ताजीम करें, हमें दुआ को प्रस्तुति से शुरू करना चाहिए और हमारे जिंदा खुदा ही की ताजीम हमें करनी चाहिए, क्योंकि वही इसके लायक है। जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए तो हम खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, और ये खूबसूरत बात है कि उसकी रहमत और फजल के तलबगार होने से पहले उसकी तमजीद की जाए, उसके जो कमालात हैं उनकी सिताइश की जाए और फिर उनसे फैजियाब हों। हम अपने मकसद का तायन करते हैं कि हमारा मकसद है कि हम खुदा की तमजीद करें और खुदा के जलाल को जाहिर करें। इवन हमारी बाकी सारी दरख्वास्तें और इल्तिजाएं भी इसी मकसद के ताबे और इसी के मुताबिक होंगी। जब वो हमें रोज की रोटी देगा, जब हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा, तो इससे भी उसका जलाल जाहिर होगा, उसकी कुदरत जाहिर होगी, क्योंकि सब कुछ उससे और उसके वसीला से है, इसलिए सब कुछ उसमें और उसके लिए होना चाहिए। दुआ में हमारे ख्यालात, एहसासात और जज्बात खुदा के जलाल और उसकी तमजीद पर मरकूज होने चाहिए। जरूर है कि हम इस बात की आरजू रखें और दुआ मांगे कि खुदा ही का नाम जलाल पाए, उसी की कुदरत जाहिर हो, उसी की तमजीद हो, और वो बसीयत बाप आसमान पर और जमीन पर हर जगह उसका जलाल जाहिर हो और उसी ही की तमजीद हो, उसी का नाम पाक माना जाए। और हम अपनी जिंदगियों से, अपने बदनों से पाकीजगी इख्तियार करके इस बात को साबित करें कि हमारा खुदा पाक है, उसका नाम पाक है और हम उसके लोग हैं, इसलिए जरूर है कि हम भी पाक जिंदगी बसर करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप, हम इस बात का इकरार करते हैं कि बारहा हमने अपनी जिंदगी को नापाक किया है, हमें मुआफ कर, हमें पाकीजगी में जिंदगी बसर करने का फजल दे। और तू जो पाक है, खुदा चाहते हैं कि हमेशा जमीन और आसमान पर तेरी ही तमजीद और तारीफ होती रहे। हमें भी फजल दे कि हम हर बात में हमेशा तेरी तमजीद और तारीफ करें। ऐ खुदा, अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, बरकत की दुआ मांगता हूँ कि साथ हो, इन पर तेरा हाथ हो, इनके घरानों पर, इनके जॉब्स पर, इनके बिजनेस पर, इनकी स्टडीज पर, इनकी सेहत पर, इनकी रूहानी सेहत पर, इनकी जहनी सेहत पर। खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपने हाथ को बढ़ाकर, अपने लोगों को बहाल कर, आज का दिन है खुदा हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। जिन जिन लोगों से हम मिलें, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों, मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।